कल तक हमें ये पता था कि लंदन नहीं जाऊंगा। इस मूवी का जो बिजनेस है वो तकरीबन 9 करोड़ हो चुका है वर्ल्ड वाइड, जिसमें 2 दिन के प्रीव्यूज शामिल थे पाकिस्तान के, 1 दिन का पाकिस्तान का मेन ईद का बिजनेस था और बाकी जुमे से लेकर इतवार तक का जो बाहर के दूसरे ममालिक हैं जिनकी ईद हफ्ते को हुई है उनका बिजनेस था। तो वो मिला करना संडे तक का पाकिस्तान का जो बिजनेस था लंदन नहीं जाऊंगा इसका 9 करोड़ था। लेकिन अभी जो ऑफिशियल फिगर्स आए हैं हुमायूं सईद और उनके पेजेस की तरफ से वो आए हैं कि इसका जो बिजनेस है वो तकरीबन 13.5 करोड़ हो चुका है। उसका ब्रेक डाउन ये है कि इस मूवी ने अपने पहले दिन पर ईद पर कमाया है तकरीबन 2.15 करोड़, जिसमें जुमे और हफ्ते के प्रीव्यूज़ के पैसे भी शामिल है। मेन जो ईद का पहला दिन था और जुमे के हफ्ते के थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर इसका जो एक दिन हम काउंट करेंगे वो हुआ है 2.15 करोड़। और इसका दूसरे दिन का यानी मंडे का ईद के दूसरे दिन का बिजनेस जो हुआ है वो हुआ है 2.55 करोड़, या इससे थोड़ा कम हुआ है। तो इसका जो पाकिस्तान का 2 दिन का टोटल है वो है 4.70 करोड़, और जो वर्ल्ड वाइड दूसरे मालिक से इसका बिजनेस मिला है और पाकिस्तान का मिलाकर जो हुआ है पूरी दुनिया का इसका बिजनेस वो हुआ है 13.5 करोड़। ये ऑफिशियल फिगर्स आए हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से। इसमें मेरे मुताबिक थोड़ी सी इन्होंने मतलब इसको बढ़ा कर पेश की है, इतना बिजनेस नहीं होगा, तकरीबन है कोई 11 से 12 करोड़, लेकिन ये थोड़ा बढ़ा कर दे रहे हैं। पाकिस्तान का ठीक ठीक बिजनेस इतना ही है 2 दिन का तकरीबन 4.70 करोड़, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो इसका बिजनेस तकरीबन अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड का वो तकरीबन 12 से 13 करोड़ या इतना बिजनेस इसका हो चुका है। तो आप बताएं कि आपने मूवी सिनेमा में जाकर देखी है या नहीं, आपको कैसी लगी, और आपके मुताबिक क्या ये मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नियानी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था 50 करोड़ से ज़्यादा का पाकिस्तान का और वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ का, क्या उसे क्रॉस कर पाएगी या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।